गाइज, आप लोगों ने मर्सिडीज कार ब्रांड के बारे में तो सुना होगा, लेकिन उसमें सबसे फैसिनेटिंग चीज है उसका लोगो। लेकिन मेरा सवाल यह है कि उस लोगो में जो तीन लाइनें होती हैं वो किसको रिप्रेजेंट करती हैं? क्या उसका कोई मतलब होता है? मैं आपको बताता हूं। उस लोगो में वो तीन लाइनें लैंड, वॉटर और एयर, इसको रिप्रेजेंट करती हैं, मतलब धरती, पानी और हवा। अब जिसने भी ये लोगो डिजाइन किया था उसका मकसद ये था कि इन फ्यूचर ये कंपनी लैंड, वाटर और एयर में दौड़ने वाले प्रोडक्ट बनाएगी और उसमें बादशाहत को हासिल करेगी। है ना ये फैसिनेटिंग? क्या इसके पहले तक ये फैक्ट आपको पता था? और नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। हमारी अर्थ का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट यानी कि प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। अब उसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। आपका अभी इस वक्त जितना भी भार है उसका सिर्फ 1/6 भार ही आप लोगों को मून पे फील होगा। मतलब मान लो कि आप 60 किलो के हो तो उसका 1/6 यानी कि सिर्फ 10 किलो का भार ही आप लोगों को मून पे फील होगा, यानी कि आप अपने आप को हल्का महसूस करोगे। और यह होता है ग्रेविटेशन की कमी की वजह से। और अगर मान लो आपको अपना भार कम करना है तो जिम जाने की बजाय आप चंद्रमा पे चले जाओ, वो ज्यादा अच्छा है। जस्ट किडिंग। ये आपको पता था या नहीं पता था चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गोल्ड यानी कि सोना रईसी की पहचान मानी जाती है, लेकिन सवाल यह है कि अर्थ की क्रस्ट में तो बहुत सारे मेटल मिलते हैं, फिर गोल्ड को ही इतनी तवज्जो क्यों दी जाती है? मैं आपको बताता हूं, गोल्ड एक ऐसा मेटल है जिसपे कभी जंग लगती ही नहीं है। एक्चुअली जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो उस पर जंग लगनी शुरू हो जाती है, जैसे कि लोहे का ब्राउन हो जाना, चांदी का काली हो जाना, कॉपर का ग्रीन हो जाना, ये सब कोरोजन यानी कि जंग लगने की वजह से ही होता है। लेकिन गोल्ड एक अनरिएक्टिव मेटल है जो ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता ही नहीं है। इसीलिए अर्थ की क्रस्ट से जब सोने को निकाला जाता है तो उसे प्रोसेस करने तक की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो प्योर फॉर्म में ही पाया जाता है। क्या इसके पहले तक गोल्ड की एक खासियत आप लोगों को पता थी? और अगर नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइज, मैथ का पजल सोल्व करने से ना दिमाग बहुत तेज होता है, तो चलो मैं आपसे एक मैथ का सिंपल सवाल पूछता हूं। सपोज करो कि आपके पास एक मैथ का इक्वेशन है जिसमें लिखा हुआ है 5 + 5 + 5 + 5 = 5 5 5। अब सबको पता है कि गलत है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपको सिर्फ एक लाइन यूज करनी है, कैसे भी एक लाइन, और इस मैथमेटिकल इक्वेशन को ठीक करना है, बस आपको यह याद रखना है कि आपको इक्वल को क्रॉस नहीं करना। करके दिखाओ कैसे करोगे, 10 सेकंड का टाइम देता हूं। तो चलो गाइस, मैं आपको आंसर बताता हूं। इसका आंसर बड़ा सिंपल है। जो आपका पहला प्लस का साइन है ना, उसको आपको ये लाइन लगा के 4 बनाना था। अब ये कितना हो गया, 545 + 5 + 5 = 555। मैथ का इक्वेशन ठीक हो गया। आपको ये पजल कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, ये तो आपको पता ही है कि प्लेन्स बहुत ज्यादा भारी होते हैं। इनफैक्ट बोइंग 737 तो 80,000 kg का होता है, और जब वो लैंड करते हैं तो उनकी स्पीड 250 से 300 किलोमीटर पर आर होती है। पर आपने क्या कभी इमेजिन किया है कि इतनी स्पीड और इतने भार के साथ जब वो लैंड करते हैं तो उनके टायर्स कभी फटते क्यों नहीं है? मैं आपको बताता हूं। उनके टायर्स में रबड़ के साथ साथ एल्यूमिनियम और स्टील को भी मिक्स किया जाता है, और नॉर्मल कारों के टायर के अंदर जो प्रेशर से हवा भरी जाती है उससे 6 गुना ज्यादा प्रेशर से एरोप्लेन के टायर में नाइट्रोजन को भरा जाता है ताकि वो प्रेशर को सहन कर सके। क्या आपको इससे पहले तक ये फैक्ट? एक बार गुरु नानक देव जी अपने शिष्यों के साथ एक गांव गए। गांव वालों ने गुरु नानक देव जी और उनके शिष्यों की बहुत ज्यादा सेवा की, लेकिन जाते जाते गुरु नानक देव जी ने उन गांव वालों को आशीर्वाद दिया, उजड़ जाओ। उसके बाद गुरु नानक देव जी अपने शिष्यों के साथ दूसरे गांव गए, लेकिन उन गांव वालों ने गुरु नानक देव जी और उनके शिष्यों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, लेकिन फिर भी गुरु नानक देव जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, बसे रहो। ये देख के एक शिष्य से रहा नहीं गया, उसने गुरु नानक देव जी से कहा कि ये कैसे आशीर्वाद दिया आपने? तो गुरु नानक देव जी ने जवाब दिया कि संसार में अच्छाई का फैलना और बुराई का रुके रहना और ना फैलना इंसानियत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए जो अच्छे लोग थे उन्हें उजड़ जाने का मैंने आशीर्वाद दिया ताकि वो बाकी जगहों पे जाके अपनी अच्छाई को फैला सके। आपको ये स्टोरी कैसे लगी
चैट सेक्शन में लिखना मत भूलेगा। गाइज एक मजेदार सा किस्सा सुनाता हूँ। ये बात है सन 1909 की, जब कनाडा ने पहली बार अपने एक शहर में एम्बुलेंस को लॉन्च किया ताकि लोगों की जान को बचाया जा सके। लेकिन हुआ उसका कुछ उल्टा ही। वही एम्बुलेंस शहर में टेस्ट ड्राइव के दौरान एक बंदे पे चढ़ गई और वो बंदा बुरी तरह से घायल हो गया। और मजे की बात ये है कि वो पहला बंदा था जिसे उस एम्बुलेंस ने हॉस्पिटल तक पहुंचाया था। ये अजीब सा किस्सा आपको कैसे लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।